फ्रेंड्स, स्टो मजा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसे ऐप का वीडियो लेके आई हूँ जो ऐप को हम सब यूज करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे इंडिया में ही 400 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर उसके पाए गए हैं। वो ऐप का नाम है व्हाट्सएप। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, पर उसके कितने सारे ऐसे अननोन फीचर्स है और सेटिंग्स है जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मेरा आज का जो वीडियो है वो है पूरा व्हाट्सएप के अननोन फीचर्स और सेटिंग्स के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे जरूर से लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपको मेरी चैनल पसंद आती है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर से क्लिक करिएगा, जिससे आप मेरे सारे वीडियो को इसी तरीके से सबसे पहले देख सकते हो। सो फ्रेंड, आज हम चलते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और देखते हैं व्हाट्सएप के जो अननोन सेटिंग है उसके बारे में, साथ साथ जो नोन सेटिंग है उसके बारे में भी हम शॉर्टली बात करेंगे। पर मेरा जो मेन फोकस है वो है उसके जो भी इम्पोर्टेंट नोन फीचर है उसके बारे में। सो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स वी स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले मैं ऑन करती हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप में हम जाएंगे सेटिंग के ऊपर। सो फ्रेंड, हम जाते हैं व्हाट्सएप के सेटिंग के ऊपर। फ्रेंड, यहाँ पे कुछ फीचर्स है जो इम्पोर्टेंट है, पर मेरा आज का जो व्हाट्सएप वीडियो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो है लोकेशन शेयरिंग। विमेन्स की सेफ्टी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मुझे ये सबसे बेस्ट फीचर लगा है। कोई और सेफ्टी ऐप की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास सिर्फ व्हाट्सएप हो और हमारा नेटवर्क ऑन हो तो कहीं पर भी हम हमारी सेफ्टी लोकेशन शेयर करके कर सकते हैं। वो फीचर्स मैं आपको दिखाऊं उससे पहले हम देखेंगे कुछ हमारे सेटिंग्स के इम्पोर्टेंट फीचर्स और इम्पोर्टेंट सेटिंग्स। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंट से। अकाउंट में हम जाएंगे प्राइवेसी के ऊपर। प्राइवेसी की ज़्यादातर सेटिंग्स हमको पता ही है, जैसे लास्ट सीन है, प्रोफाइल फोटो है, अबाउट है। अगर आपका जो लास्ट सीन है वो आप सबको नहीं दिखाना चाहते तो आप उसको एवरीवन के बजाय सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किसको दिखाना है। अगर नोबडी लिखाओगे तो कोई भी आपका लास्ट सीन नहीं दिख सकता। मतलब कि आप अगर रात को कभी भी ऑनलाइन रहते हो और आपके मम्मा से आपको पकड़े जाने का डर नहीं है तो आप यहाँ पे नोबडी कर सकते हो। उसके बाद है प्रोफाइल फोटो। हमारे सेफ्टी के लिए कई बार हमने ऐसे मैसेज भी देखे हैं कि प्रोफाइल फोटो अपना नहीं रखना, पर अगर हम चाहे तो प्रोफाइल फोटो किसी को भी नहीं दिखा सकते। अगर हम चाहे तो माय कॉन्टैक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमने जिसको किया है वही जो पर्सन है वही हमारे प्रोफाइल फोटो दिख सकता है। अबाउट भी अगर हम चाहे तो हम सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से स्टेटस को भी हम माय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, अब जो मेरा प्राइवेसी का मेन सेटिंग जो दिखाना था वो था ग्रुप के बारे में, ग्रुप सेटिंग। अभी ग्रुप बनाने का जैसे माहौल चला हुआ है, कोई भी व्यक्ति ग्रुप बना लेता है और हमें हमारे पसंद हो या ना पसंद हो वो हमें ऐड करता रहता है। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी हमें ऐड ना करे तो फिर हम यहाँ पे ये जो ग्रुप सेटिंग है उसका यूज़ कर सकते हैं। कई बार मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मुझे उन लोगों ने ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया है जिसके एडमिन तक को मैं नहीं जानती। अगर हमें ऐसा करना है तो हम कैसे बच सकते हैं? तो हमें यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा हु कैन एड मी टू द ग्रुप। यहाँ पे आप एवरीवन के बजाय माय कॉन्टैक्ट पे सेव करो और फिर डन पे क्लिक करिए। उससे क्या होगा, जो अननोन पर्सन है वो आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर सकेंगे। उनको ऐड करना होगा तो उनकी परमिशन की जरूरत रहेगी। अब ये है लाइव लोकेशन। लाइव लोकेशन ऐसे तो हमें ऑन कर रखने की ज़रूरत नहीं है, पर कई बार हम ऐसे कुछ अननोन जगह पे जा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, जो लोकेशन हमारे लिए अननोन है वहाँ जाए तो हमारा लोकेशन अगर ऑन रखा हो तो हमारे शेयरिंग के लिए ये बेस्ट रहता है। सो फ्रेंड, ये थे मेरे प्राइवेसी के सेटिंग। प्राइवेसी में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा मुद्दा था वो था ग्रुप सेटिंग के ऊपर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर। उसके अंदर जो है वो है 2-स्टेप वेरिफिकेशन। फ्रेंड, अगर हमें हमारे व्हाट्सएप को सेफ रखना है तो ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा करे रखना चाहिए। अगर हमारा फोन कहीं पे चोरी हो जाता है तो फिर अगर हमने ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन किया होगा तो कोई भी पर्सन हमारी परमिशन के बिना हमारा WhatsApp ओपन नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे फ़ोन में ये 2-स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इसको कैसे करेंगे? अनेबल पे क्लिक करते हैं, हम क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा, हमें कोई भी 6 डिजिट पिन एंटर करना है। हम कोई भी पिन एंटर करते हैं, मैं कर रही हूँ 6 डिजिट पिन एंटर करनी है फ्रेंड इसके अंदर हमें ये बात याद रखनी है, ये जो पिन ऐसी हो जो हमारे अलावा किसी को पता ना चले, काफ़ी सीक्रेट रह सकती है, ऐसी ही करनी चाहिए। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए एंटर की थी, बट इतनी इजी पिन कभी भी एंटर नहीं करनी चाहिए। अब पिन एंटर करने के बाद हमारे अगर हम चाहे तो हमारा ईमेल एड्रेस उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो भी हमारे सेफ गार्ड के रूप में काम आ सकता है। अगर नहीं करना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरा ऐड कर रही हूँ। जैसे हमारा ईमेल एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे आएगा कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। अब हमारे ईमेल एड्रेस पे जाके हमको उसे क्या करना है, सेव करते ही हमारा 2-स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल हो गया है। हमें क्लिक करना है डन के ऊपर। सो इस तरीके से हमने हमारे फ़ोन को सेव कर लिया है, हमारे WhatsApp को सेव कर लिया है। फ्रेंड ये जो फीचर है, ये जो प्रोसीजर है, वो काफ़ी छोटी सी प्रोसीजर है, काफ़ी इजी प्रोसीजर है, पर हमारे फ़ोन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये एक फीचर है दूसरा जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर पे। इसके अंदर हम जाएंगे चैट्स। चैट के अंदर एक नई थीम आई है जो आजकल सबसे ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं। वो थीम अगर हमें करनी है तो हम यहाँ पे थीम पे जाएंगे और डार्क मोड सिलेक्ट करेंगे। डार्क मोड की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, तो इस तरीके से हम डार्क मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे डार्क मोड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो डार्क मोड रखते हैं। तो इस तरीके से हम हमारे फ़ोन की जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद है वॉलपेपर। अगर हमें हमारे चैट के बैकग्राउंड में वॉलपेपर रखना है तो हम यहाँ वॉलपेपर पे क्लिक करके गैलरी में जाके हमारे जो भी पसंदीदा फोटोज है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे हमारे चैट सेटिंग में। चैट सेटिंग के अंदर क्या दिया गया है, एंटर इज सेंड। अगर एंटर की आपको सेंड करनी है आपके मैसेज में तो आप यहाँ पे उसको क्लिक कर सकते हो। मीडिया विजिबिलिटी, अगर आपको न्यूली डाउनलोड मीडिया आपके फ़ोन की गैलरी में रखने हैं तो आप उसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। फ्रंट साइज। सो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट जो इसके अंदर फीचर है वो है फ्रंट साइज। हमें इतना प्रॉब्लम्स नहीं होता है, पर हमारे एल्डर जो है उनको कई बार प्रॉब्लम्स आती है। फ्रंट साइज छोटे होते हैं, उसकी वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो हम चाहे तो ये फ्रंट साइज को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट साइज में जाके हमें यहाँ पे लार्ज बटन पे क्लिक करना है, लार्ज पे ऑप्शन पे, जिससे हमारी जो फ्रंट साइज है वो लार्ज हो जाएगी, जिससे वो जो भी चैट लिखेंगे, टेक्स्ट मैसेज जो होंगे, उसकी जो साइज है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और वो लोग इजीली पढ़ सकते हैं। अब मेरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है ऐप लैंग्वेज। अब तक ऐसा होता था हमारा जो व्हाट्सएप है वो सिर्फ इंग्लिश में चलता है, पर अभी हमारे WhatsApp पे ये फीचर भी आया है, हम हमारे ऐप लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ऐप लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी रीजनल ऐप लैंग्वेजेस जो है वो ऑन हो जाएगी। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती हो तो आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है आप चाहे तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपका जो WhatsApp है वो सारा यही लैंग्वेज में स्टार्ट हो जाएगा। सो ये भी एक अच्छा फीचर है हमारे WhatsApp का। अब हम देखते हैं फ्रेंड चैट बैकअप। चैट बैकअप अगर हम बात करें, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं वो ये कहते हैं कि मेरे सारे मैसेज तो डिलीट हो गए, मैं क्या करूं? उसके लिए मैं कहूँगी कि अगर आप चाहो तो आपके हमेशा मैसेज के चैट बैकअप लेके रखना चाहिए। चैट बैकअप हम कैसे करेंगे? चैट के जो बैकअप है वो यहाँ पे Google ड्राइव पे हम कर सकते हैं। हमारे इस तरीके से हमारा बैकिंग अप मैसेज स्टार्ट हो जाएगा। बैकअप रखने से ये बेनिफिट है कि जब भी हमारा फ़ोन हम WhatsApp फ़ोन इंस्टॉल कर देते हैं या फिर हमारा फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर हमें वापस से हमारे मैसेज को लाना होता है, तो हम इस तरीके से बैकअप कर सकते हैं। तो हमारे जो भी मैसेज है, जो बैकअप गए हुए मैसेज है, वो वापस आ सकते हैं और हमारी जो टॉकिंग है वहीं से स्टार्ट हो सकती है। सो फ्रेंड, चैट बैकअप के बाद हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो है चैट हिस्ट्री। ये चैट हिस्ट्री हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर एक चीज़ आई है, वो है एक्सपोर्ट चैट। एक्सपोर्ट चैट की मदद से हमें अगर कोई चैट सेव करनी हो तो वो हम सेव करते हैं हमारे गूगल ड्राइव में, जिससे हम आगे जाके यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट चैट हमने की हो और उसको हमें कुछ प्रूफ एज ए प्रूफ अगर सेव करना हो या फिर कोई और रीज़न के चलते हमें उसको सेव करना है, तो हम ये जो एक्सपोर्ट चैट है इसको यूज़ करके हम सेव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम अगर वो मैसेज को सेव करने के लिए जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आएगा विदाउट मीडिया और इंक्लूडेड मीडिया। अगर आपको वो जो पर्सन है उसकी चैट सेव करनी है और उसके फोटोज और डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी सेव करना है, तो आप इंक्लूडेड मीडिया करिए। आपको सिर्फ लिखी हुई चैट सेव करनी है तो आप विदाउट मीडिया करके भी उसे सेव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंक्लूडेड मीडिया किया। जैसे हम इंक्लूडेड मीडिया करेंगे या विदाउट मीडिया करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हमें वो चैट को कहाँ पे सेव करना है, कहाँ पे सेंड करनी है। हमें सेव टू ड्राइव कर सकते हैं, आप जीमेल में कर सकते हो, आपका कोई और व्हाट्सएप अकाउंट है तो आप वहीं पर भी कर सकते हो। सो फ्रेंड, ये थे हमारे ऑप्शंस चैट को रिलेटेड। अब हम जाएंगे डेटा एंड स्टोरेज यूसेज में। मैं उसको क्लिक कर रही हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे यूसेज। फ्रेंड, यहाँ पे एक और ऑप्शन है डेटा एंड स्टोरेज यूसेज में, जो मुझे आपको बताना है। मेरे जो इम्पोर्टेंट फीचर है उसके अंदर ये है, वो है स्टोरेज यूसेज के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हमें जानना होता है कि कौन से पर्सन ने किससे ज़्यादा बातें की है, तो हम ये स्टोरेज यूसेज से जान सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे हमने किससे कितनी बातें की है, कितना डेटा हमने यूज़ किया है, वो यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिससे हम जान पाएगी कि हमने किससे कितनी। हमें ऑन करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा, जिससे डेटा आएगा, जिससे हम जान पाएंगे कि किससे हमने कितनी बातें की है, कितने मैसेज फॉरवर्ड किए हैं या किससे हमने कितनी डेटा यूजेस किया है। तो इससे हम कौन से पर्सन ने किसके साथ कितनी बातें की है वो सारी चीज़ें हम इससे जान सकते हैं। अब जो मेरा एक इम्पोर्टेंट फीचर है जो आप नहीं यूज़ कर रहे हो वो मैं बताने वाली हूँ, वो है कॉल सेटिंग। फ्रेंड, कॉल सेटिंग के अंदर कई बार मोबाइल से हम लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारा डेटा काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है। अगर हमें हमारे डेटा कंज्यूमिंग को कम करना है तो यहाँ पे हमारे पास लो डेटा यूजेस दिया गया है। अगर हमें डेटा को रिड्यूस करना है तो हमें इसको ऑन करना चाहिए, जिससे कॉल करते वक्त हमारा जो डेटा है वो काफ़ी कम कंज्यूम होगा। सो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फीचर है जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। सो फ्रेंड, अब हम जाएंगे हमारे कुछ और अननोन फीचर्स की ओर। अभी तक हमने जो देखे वो थे सेटिंग के फीचर। उसके अलावा भी व्हाट्सएप में काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं या फिर हम जानते हैं पर हम उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं बता रही हूँ कौन सा हमारा इम्पोर्टेंट फीचर है। हम कोई 2-3 अगर हमारे घर के फैमिली मेम्बर है जिसके साथ हम फ्रीक्वेंटली बात करते हो, वैसे पर्सन को अगर हम चाहे तो यहाँ पे हम पिनअप भी कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि उनका जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगा और काफ़ी ज़्यादा मैसेज हमारे ऊपर आ जाए फिर भी वो जो नंबर है वो ऊपर ही रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हम जब चाहे तब हम उसके नंबर को ईजिली निकाल सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। वो कैसे होगा? हमें वो नंबर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके ही यहाँ पर आएगा ये पिन वाला ऑप्शन। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है पिन, तो ये नंबर हो जाएगा पिन, ये चला गया सबसे ऊपर। कोई और नंबर है जिसको हमें करना है, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे, तो तो ये नंबर हो गया पी। ऐसे हम 3 नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये 3 नंबर से मैं सबसे मुझे ये नंबर को मेरे ग्रुप में अगर बहुत सारे मैसेज आ गए हैं तो नीचे जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी इजी है ये प्रिंट फॉर्मेट को यूज़ करना। किसी भी हम 3 इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अब ये ब्रॉडकास्ट जो आया है उसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा। आप हम जो चाहे वो नंबर को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर हमको हमें हमारे मोबाइल को लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऑन करना है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट फीचर है ये है व्हाट्सएप वेब। अगर हम व्हाट्सएप वेब को क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करना है, उसके बाद हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसके अंदर हमें टाइप करना है web.whatsapp.com। ऐसा टाइप करते ही हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर आएगा एक QR कोड जिसको हम स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही हमारा जो मोबाइल है वो लैपटॉप के अंदर ऑन हो जाएगा। तो हम हमारे लैपटॉप से भी हमारे व्हाट्सएप की चैट या व्हाट्सएप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हमें लैपटॉप से कुछ और काम कर रहे हो और अगर हम चाहे हमारा व्हाट्सएप को भी हम लैपटॉप पे ही चलाए तो हम इस तरीके से व्हाट्सएप को लैपटॉप पे चला सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था एक इम्पोर्टेंट फीचर्स व्हाट्सएप के बारे में। अब व्हाट्सएप वेब के बाद है स्टार्ट मैसेज। ये क्या है और ये हमें कहाँ पे काम आता है? ये जो स्टार मैसेज पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास आएगा टैप एंड होल्ड ऑफ एनी मैसेज इन एनी चैट टू स्टार इट सो यू कैन इजीली फाइंड इट लेटर। हमारे कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है, अगर हमें उसको सेव करके रखना है तो हम इसके ऊपर सेव करके रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाई पे जाके स्टार किया है। अब मैं बैक जाके उसको देख सकती हूँ। स्टार मैसेज के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, स्टार मैसेज के ऊपर क्लिक करती हूँ और देखो ये मेरा मैसेज यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम ये स्टार मैसेज ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये थे फोन के कुछ अननोन बाहर के फीचर। अब हम देखते हैं टेक्स्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें जो है वो इसके अंदर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको टेक्स्ट मैसेज में होने वाले कुछ चेंज के बारे में बता सकती हूँ। अगर हम चाहे तो हमारे टेक्स्ट जो मैसेज है उसमें वेरिएशन ला सकते हैं। उसको हम कोई और फ्रंट में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से ये चीज हो सकती है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ हाय। अगर मैं चाहूँ तो ये हाय को बोल्ड, इटालिक, स्ट्राइक थ्रू या मोनोस्पेस में भी सेंड कर सकती हूँ। मैं सबसे पहले उसको बोल्ड में कर रही हूँ। इस तरीके से बोल्ड में हम सेंड करेंगे, हमारा मैसेज जाएगा बोल्ड में। इस तरीके से हम टेक्स्ट को इटालिक में भेज सकते हैं। हम उसको स्ट्राइक थ्रू में भेज सकते हैं। और हम उसको चाहे तो मोनोस्पेस में सेंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी टेक्स्ट को टाइप करके हमें उसको सिलेक्ट ऑल करना है और सिलेक्ट ऑल करके ही हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इस तरीके से हम अगर हम चाहे तो हमारे सिंपल टेक्स्ट को भी हम वेरिएशन से लिख सकते हैं। अब इसके अलावा एक और फीचर है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है हमारे ग्रुप में काफ़ी सारे लोग होते हैं और काफ़ी सारे मैसेज जो है वो कंटिन्यू आते रहते हैं। उससे क्या होता है कि अगर हमें आगे वाले पर्सन को मैसेज करना है तो फिर वो मैसेज हम कैसे करें, ये कन्फ्यूज़न होता है। तो ये नहीं करने के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं। हमारे ग्रुप मैसेज में आंसर देने के लिए हम यहाँ पे ये @ टाइप करेंगे। उसके बाद हमें जिसको आंसर देना है उस पर्सन के ऊपर उसके नाम के पूरे नाम ग्रुप में जितने मेंबर हैं उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये ग्रुप मैंने सिर्फ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाया है, तो यहाँ पे मैं ये नाम को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब मैंने उसको सिलेक्ट करके ये मैसेज भेजा, तो ये जो मेरा मैसेज है वो पूरे ग्रुप में से स्पेशली ये पर्सन के ऊपर ही जाएगा। सो इस तरीके से अगर हम चाहे तो ग्रुप में अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से टैग करके बातें कर सकते हैं। तो ये भी एक व्हाट्सएप का काफ़ी अच्छा फीचर है, पर मैंने अभी भी किसी भी ग्रुप में इस तरीके से बात करते हुए नहीं दिखा है, मतलब कि शायद हम ये जो फीचर है उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक अमेजिंग फीचर है व्हाट्सएप का, आप भी आपके ग्रुप में यूज़ करिए और आपके जो ग्रुप मेंबर है उसको स्टन कीजिए। तो फ्रेंड, जैसे मैंने वीडियो के बिगिन में बताया था, जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फीचर है वो है लाइव लोकेशन शेयरिंग। वो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे अगर ये पिन को हम क्लिक करेंगे, हर एक मैसेज में हर एक टेक्स्ट में ये ऑप्शन तो आता ही है। अगर ये क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा लोकेशन। ये लोकेशन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा लाइव लोकेशन शेयरिंग। अब यहाँ पे आएगा शेयर लाइव लोकेशन। अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए हो और हमें हमारा लोकेशन शेयर करना हो, विमेन सेफ्टी के रिगार्डेड अगर ये देखा जाए तो ये व्हाट्सएप का सबसे बेस्ट फीचर है मेरे लिए। तो यहाँ पे हम हमारा लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमें हमारा लोकेशन शेयर करने का यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिया गया है। अगर हम चाहे तो 15 मिनट, चाहे तो 1 आवर, चाहे तो 8 आवर भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे लोकेशन शेयर करने के बाद में यहाँ पे 15 मिनट लगा रही हूँ। अब आप चाहो तो यहाँ पे कोई और मैसेज शेयर कर लिख के सेंड कर सकते हो, या फिर इतना भी टाइम नहीं है आपके पास, आप डायरेक्टली यहाँ से मैसेज सेंड कर सकते हो। मैंने ये सेंड किया, ये पहुँच गया मेरे ग्रुप के ऊपर, जिससे मेरे ग्रुप के जो भी मेंबर है उनको पता चल जाएगा मैं कौन से एरिया में हूँ। अगर मैं कोई जगह पे मुसीबत में हूँ तो वो लोग वहाँ पे जल्दी से आ सकते हैं। पुलिस जो है या फिर मेरे रिलेटिव्स जो है वो ईजिली मेरे एड्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। तो फिर जो भी गर्ल्स विमेन्स हैं मैं उनको स्पेशली बताना चाहूँगी, ये जो ऑप्शन है वो हमारे लिए बेस्ट है। आप कहीं पर भी मुसीबत में हो तो आपको इसे इसको यूज़ ज़रूर करना चाहिए। सो फ्रेंड, ये हमारे कुछ फीचर्स थे जिसको हम व्हाट्सएप में शायद यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसको जल्दी से यूज़ करना स्टार्ट कीजिए और आपके फ्रेंड को भी अमेज कर सकते हो। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी व्हाट्सएप के काफ़ी सारे फीचर्स है, अभी भी है, जो मैं यहाँ पे मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। मैं जल्दी से दूसरा वीडियो व्हाट्सएप के ऊपर बनाऊंगी जिसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी ये जो बाकी के फीचर रह गए हैं। पर फ्रेंड, जाते जाते मैं आपको दो बोनस फीचर और दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड, अगर आप आपके जब भी इम्पोर्टेंट जो भी ऐप्स है उसको लॉक रखते हैं तब प्राइवेसी के तौर पे मैं आपको एक टिप्स ये देना चाहूँगी कि आप आपके क्रोम को भी लॉक रखिए, क्योंकि आपका जो क्रोम है या आपका कोई भी सर्च इंजन है वो भी अगर आपके मोबाइल में ऑन है तो उससे भी आपके व्हाट्सएप के सारे डेटा कोई और अगर जानना चाहे तो वो जान सकती है। वो कैसे जान सकती है वो मैं आपको मेरे दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारे व्हाट्सएप में वेरी सून एक ऐसा फीचर आने वाला है कि जिससे हम हमारा ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। वो हमारे व्हाट्सएप के अंदर आप FAQ में जाके देख सकते हो हम किस तरीके से पेमेंट फीचर में कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी सी बात हमारे व्हाट्सएप में आने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्हाट्सएप का ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आने वाला नेक्स्ट वीडियो को आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो को अगर आप चाहो तो आप उसे लाइक और शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मेरे नए वीडियोज़ को।